बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोकर और आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो की फरमाइश मेरे सब्सक्राइबर खालिद ख़ान ने की थी और वो मुसलसल इस ख्वाहिश का इज़हार करते रहे खालिद ख़ान के कायदाबाद पे मौजूद गोश गली को विज़िट किया जाए। तो आज उनकी फरमाइश का नंबर आ गया और मैं इस टाइम दाऊद चुरंगी पुल के ऊपर से नीचे उतरा हूँ और ये कायदाबाद का इलाका है, ये ब्रिज है कायदाबाद का, ये कायदाबाद का रोड है, कितनी गहमा गहमी है। और यहीं पर सामने की तरफ मौजूद है गोश गली। जी हाँ, कायदाबाद पे सामने की तरफ एक छोटा सा बाज़ार है और वो बाज़ार क्या है, एक गली है और उसको गोश गली का नाम उसको दिया गया है या उस गली का नाम गोश गली पड़ गया है। तो मेरे साथ रहिए, बड़ा गहमा गहमी वाला ये इलाका है कायदाबाद, ये मेन नेशनल हाईवे। और मैं अपने एक और सब्सक्राइबर बशीर अहमद को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि बशीर भाई, आपके कहने पे मैंने कोशिश की है कि स्ट्रीट के वीडियो बनाते हुए कम से कम कटिंग की जाए। कटिंग तो कोई ना कोई आ जाती है कि जो सीन अच्छे नहीं होते उनको कटिंग करना पड़ता है, लेकिन मेरी कोशिश है इस वीडियो में कि मैं कम से कम कटिंग करूँ। ये हम गोश गली में दाखिल हुए हैं और ये बाज़ार है जहाँ पे अशियाए खुर्दोनोश मौजूद है, गोश की दुकानें। लाजमी बात है, गोश गली है तो गोश तो लाजमी, गोश की दुकानें, सब्ज़ी की दुकानें, परचून की दुकानें, फ्रूट की दुकान यहाँ मौजूद है। और देखें कितना गहमा गहमी का ये आलम है। तो आप मेरे साथ इस टाइम गोश गली की सैर कर रहे हैं। कराची में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें गोश गली देखने का मौका नहीं मिला होगा, तो आज मेरे चैनल के तवस्सुत से वो तमाम दोस्त गोश गली का नज़ारा कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिए। गली छोटी सी है मगर यहाँ पे भी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, रिक्शे, सुजुकी, ठेले वाले भी वहाँ मौजूद हैं और सुजुकी भी वहाँ से गुजर रही है, रिक्शे भी आ रहे हैं। खालिद ख़ान, अब आप खुश हो गए होंगे क्योंकि आपकी बड़ी पुरजोर फरमाइश पे ये वीडियो बन रही है और हमें भी पहली बार गोश गली देखने का मौका मिल रहा है आपकी ख्वाहिश की वजह से। और वाकई ये गोश गली देखने से ताल्लुक़ रखती है और इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो मेरे साथ रहिए। ये सुजुकी मेरे आगे आगे चल रही है जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा है। ये पंसार की दुकान है। अभी इस सुजुकी के अंदर निम्को लोड है और ये यकीनन किसी दुकान पे ऑफलोड होगी। रिक्शा भी आ रहा है सामने से और यहाँ से सुजुकी जा रही है। अब देखें नज़ारा और पब्लिक का रश देखें। ये है जनाब कायदाबाद लांडी, कायदाबाद की मशहूर मारूफ गोश गली। तो मेरे साथ रहिए और गोश गली का विज़िट कीजिए। बर्गर वाले भी दिन में मौजूद हैं गोश गली के अंदर, परचून, कोल्ड ड्रिंक, दर्जी, अलगरज, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर। ये मोहम्मदी मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गेट है। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ की यहाँ पे शॉप्स मौजूद हैं। थोक परचून में यहाँ हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ गोश गली ही में गोश ही नहीं है बल्कि हर चीज़ मौजूद है गोश समेत। हम गोश गली के अंदर बहुत आगे तक चले गए।
जहाँ तक हमें दुकानें नज़र आई हमने वहाँ तक उस गली का विज़िट किया। तरबूज, ये वही तरबूज है जो 100 रुपये किलो मिल रहा था यकुम रमज़ान को, और अब ये 50 रुपये और 60 रुपये किलो पर आ गया है। पकोड़े की दुकान, फ्रूट वाले, नाई की दुकान, ये जूस वाले, मुर्गी की दुकान, आप अपनी कीमती राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये रोडों पर, गलियों पर जो वीडियो बनाई जाती है, ये वीडियो इंतहाई मेहनत से और बड़े ख़तरनाक तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि हमारे हाथ में कैमरा होता है और ये कराची है तो ख़तरा तो रहता है रॉबरी का, डकैती का, तो अल्लाह ने आज तक बचा के रखा है और हमेशा बचा के रखे, और हर इंसान को किसी भी किस्म के नुकसान से बचा के रखे। तो आप मेरे साथ रहिए, हम गोश गली के बहुत अगले हिस्से में पहुंच चुके हैं और बीच में कुछ गैप आता है और उसके बाद फिर बाज़ार शुरू हो जाता है और कुछ दुकानें बंद भी हैं। कपड़ों की दुकानें हैं यहाँ, खूबसूरत रुमाल हैं और बहुत ही खूबसूरत टोपियाँ भी हमें नज़र आईं। यहाँ तकरीबन ये गली आगे जो ये दुकानें ख़त्म हो गई हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत किस्म की यहाँ अशिया है। ये देखें कितनी खूबसूरत सिंधी टोपियाँ और रुमाल यहाँ मौजूद हैं। ये लेडीज़ सूट हैं, बहुत खूबसूरत चादरें हैं, मुख्तलिफ शॉल्स की दुकान है। तो दोस्तों, हम आज आपको लेके आए हैं लांडी कायदाबाद की मशहूर मारूफ गोश गली में। तो इस वीडियो को लाइक करें। मरी अब्बासी होटल, हर चीज़ ज़िंदगी की यहाँ मौजूद है। पानी से भी रास्ते भरे हुए हैं, पब्लिक भी बहुत है, ठेले और दुकानों के आगे एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, मगर ये गली फिर भी बड़ी स्पीड से रवा दवा है। दोस्तों, आप भी अपनी चॉइस हमें लिख के भेज सकते हैं कि आपको लांडी, मलीर, खोखरापार, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी में से कौन से एरिया की वीडियो बनाने या देखने की ख्वाहिश है। तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूंगा। रमज़ान का आखिरी अशरा है, और ईद के बाद इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। आप मुझे अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे रابطہ कर सकते हैं, अपना पैगाम छोड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिस तरह से खालिद खान की ख्वाहिश पर आज हम गोश गली का विज़िट कर रहे हैं, इसी तरह से हम आपको भी आपकी मतलूबा जगह की सैर कराएंगे।
बहुत गहमा गहमी वाली ये गली है और हमें भी अच्छा लगा पहली दफ़ा गोश गली का विज़िट करके। तो इसी तरह से आप अपने, आप पाकिस्तान के अंदर हों या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पुराने रिहायशी इलाके की, आप अपने इलाके की, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने इलाके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत खूबसूरत मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद गोश गली के दरमियान में ये वाक़ है। गेट के ऊपर शीशाकारी का काम किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये पंसार की दुकान है जहाँ से देसी दवाइयों को हासिल किया जा सकता है। परचून की दुकानें हैं। तो दोस्तों मेरे साथ रहिए, मैं वीडियो को फुल देखा करें, मेरी भी मेहनत सफल हो जाएगी अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देख लिया। वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, बहुत ज़ोर से मुक्का मार के प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मुझसे आप व्हाट्सएप पर भी रابطہ कर सकते हैं, आपके हर मैसेज का जल्द या बदेर जवाब दिया जाएगा और अपने मतलूबा वीडियो जो आप जिस एरिया की बनवाना चाहें तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। तो मुश्ताक होकर 66 के नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने व्लॉग को अब हमें मेन रोड नेशनल हाईवे पर, कायदाबाद नेशनल हाईवे पर पहुंच के इख्तिताम करूंगा। ये सब गोश्त की दुकानें आप देख रहे हैं और अब हम मेन रोड पर निकल आए हैं और ये कायदाबाद है, यहाँ रश का आलम देखें। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अगली किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।